Okay, so we have actually हमने यूजर रजिस्टर किए थे दो, और हमने एक को पासवर्ड इनक्रिप्ट किया था, और एक ये पुराना वाला स्टोर्ड है, तो हमें भी पुराना वाला नहीं चाहिए बिकॉज वी नीड एन इनक्रिप्टेड पासवर्ड. तो हम इसको कर देते हैं डिलीट, सॉरी यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट. अब हमारे पास यूजर नेम है दिस, और पासवर्ड पता नहीं क्या रखा था. बहरहाल हम एक नया यूजर यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं विद द नेम काइंड ऑफ दिस, एंड इसका यूजर नेम हम रख लेते हैं @123, और इसको समथिंग @ एग्जाम्पल, और पासवर्ड 14567899 दिस. और हमने बैकएंड रन नहीं किया हुआ अपना, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू सेव एनीथिंग. सो लेट्स रन इट. So go ahead and now make this request just to be able to save. Duplicate email entered. Oh yeah, हमने ये email already enter की हुई है. So this now user has been registered. If we go ahead, so हमारे पास Ali Hassan और Ali@123 username के साथ एक नया user registered है. अब हम इन्हें लॉग इन करना है. लॉग इन दो चीजों की बेस पे कर सकते हैं, हम यूजर नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन से या ईमेल और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन से. लेट्स कीप दिस एज यूजर नेम एंड पासवर्ड बिकॉज यूजर नेम भी हमारा यूनिक ही है. सो और दोनों की बेस पे भी कर सकते हैं. सो हम जाएंगे स्पेसिफिकली फॉर हमारा राउट बना हुआ है ऑलरेडी लॉग इन का, और हमारा लॉग इन का ऑथ के अंदर ऑलरेडी राउट भी बना पड़ा है, और हम यहाँ पे लॉग इन की स्ट्रेटेजी को फोकस करेंगे. सो लेट्स डू इट फॉर नाउ. सबसे पहले ऑब्वियसली हमने यूजर नेम या पासवर्ड बेस्ड ऑन कि हम किसकी बेस पे लॉग इन करेंगे. सो हमने डिसाइड कर लिया कि हम यूजर नेम और पासवर्ड की बेस पे लॉग इन करेंगे. सो हम यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड्स को गेट करेंगे यहाँ पे आउट ऑफ द रिक्वेस्ट बॉडी. उससे पहले मैंने आपको कहा कि जब भी आप कोई लॉजिक ऐसी इंप्लीमेंट करें जिसमें डेटाबेस या नेटवर्क की कोई चीज शामिल हो, तो उसे ट्राई कैच में रखें लाजमी, बिकॉज यू नेवर नो वेन कैन एन एरर कम. तो हम ये चाहते हैं कि जब एरर आए तो वो ग्रेसफुली कैच होके नेक्स्ट को रीडायरेक्ट हो. तो उसके लिए हमें ट्राई कैच लिखना पड़ेगा, और ट्राई कैच में नेक्स्ट का मिडल वेयर हम ऑलरेडी पहले से यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमारी यहाँ पे ये एरर हैंडलिंग हो. एनी वेज, अब ये तो वो एरर्स हैं. नेक्स्ट में वो एरर्स जाएंगे जो स्कीमा की बेस पे आएंगे, यानी जो स्कीमा हैंडलिंग एरर आएंगे, नेम यूजर नेम पास. लेकिन इस नेक्स्ट में कोई ऐसा एरर नहीं जाएगा. मिसाल के तौर पे यूजर ने यूजर नेम पासवर्ड दिया और वो पासवर्ड यूजर नेम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अब ये चीज नेक्स्ट पे तो ये एरर हैंडलर तो इसको नहीं चेक करेगा, ये तो हमने खुद ही इंटरनली चेक करना है. या यूजर नेम कोई पासवर्ड दिया तो वो पासवर्ड डेटाबेस के पासवर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये एरर भी ऑब्वियसली नेक्स्ट नहीं पकड़ सकेगा बिकॉज हमें खुद इसको हैंडल करना पड़ेगा. इसी तरह यूजर ने लॉग इन होते वक्त यूजर नेम पासवर्ड दिया ही नहीं, तो वो हाँ अगर हमने रिक्वायर्ड रखा हुआ है तो वो ऑब्वियसली कैच हो सकता है. तो अगर दिया है लेकिन वो डेटाबेस में मौजूद नहीं है, या यूजर मौजूद नहीं है, या डेटाबेस के पासवर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा, तो फिर वो स्कीमा उनको हैंडल नहीं कर सकेगा. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट में से बॉडी में से यूजर नेम पकड़ो और यहाँ इसको ले लो. दूसरा हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की बॉडी से पासवर्ड पकड़ो और हमारे यहाँ दे दो. सबसे पहला मसला ये है कि हमें ये चेक करना है कि जो यूजर ने यूजर नेम प्रोवाइड किया है, क्या वो यूजर नेम हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज हम इस यूजर की बेस पे ये करेंगे कॉन्स्ट user equals to this user, और इसको आप await कर लें, user dot find one, और इसको आप दे दें डेटाबेस में आपका जो कॉलम का नेम है वो भी यूजर नेम है, और जिसको आप चेक करना चाहते हैं वो भी यूजर नेम है. सो यू हैव टू डू इट लाइक यूजर नेम. फाइंड वन बिल्ट इन फंक्शन है मोंगूज का,
जो कि मोंगूज के मॉडल के ऊपर चलता है, जैसे नॉर्मल हमारे फंक्शन चलते हैं क्रिएट सेव फाइंड अपडेट वगैरह वगैरह, तो फाइंड वन में हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की सूरत में क्यूरी देनी होती है। और मैं ये क्यूरी ये दे रहा हूँ कि डेटाबेस में जाओ और वहाँ पे यूज़र नेम के कॉलम को पकड़ो और उसको इस यूज़र नेम के साथ मैच करो जो मैं यहाँ रिक्वेस्ट से ले रहा हूँ, ठीक है। अगर ये मैच हो जाए तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, फाइंड वन, एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, और वो रिकॉर्ड कौन सा होगा, जहाँ पे यूज़र नेम की फील्ड में जो वैल्यू पड़ी है वो बराबर होगी इस यूज़र नेम के जो यूज़र से मैं रन टाइम पे ले रहा हूँ। अब अगर वो पूरे डेटाबेस में इस कंडीशन को मैच करेगा तो मुझे एक यूज़र रिटर्न करेगा, अदरवाइज यूज़र रिटर्न नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ कि इफ़ नॉट यूज़र, यानी ये जो रिटर्न करेगा वह इस यूज़र में सेव करेगा, और मैं चेक करूँ कि अगर यूज़र उसे नहीं मिला तो क्या करें, यहाँ से रिस्पॉन्स दे के वापस भेजे ऐसे, और इसको कहे जी के यूजर नॉट फाउंड, क्लियर, सिंपली जेसन में भेजे। और अगर ये यूजर मिल गया तो अब अच्छा, इससे भी पहले एक और चीज चेक करनी है, यानी ये तो पहला स्टेप तो ये है कि यूजर ने यूजर नेम और पासवर्ड दिया है, खाली नहीं छोड़ा, तो उसको भी हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो मैं चेक करता हूँ कि इफ यूजर नेम इज इक्वल इक्वल टू दिस आर पासवर्ड इज इक्वल इक्वल टू दिस, यानी अगर यूजर नेम खाली स्ट्रिंग हो या पासवर्ड दोनों में से कोई भी एक खाली स्ट्रिंग हो तो फिर क्या मैसेज दे, वंस अगेन यहां पे कहे प्लीज प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक, ये भी रिस्पॉन्स में वापस चला जाए अगर यहीं से। और इम्पोर्टेंटली इनको क्या कर दें, रिटर्न कर दें। रिटर्न का कीवर्ड का मतलब ये है कि ये यहाँ से आगे ना जाए, जब ये कंडीशन इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो एरर मैसेज यहीं से रिटर्न कर दे, क्योंकि अगर रिटर्न नहीं लिखेंगे तो फिर फंक्शन के आगे भी जाएगा और अगली चीज़ें भी एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह मैंने इसको भी क्या कर दिया, अगर यहीं पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यूज़र ही नहीं मिला तो आगे चेक करने की ज़रूरत क्या, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। तो रिटर्न का ये मतलब है कि यहीं से वापस रिटर्न हो जाओ। और देन अब दो चीज़ें चेक हो गई हैं, यानी यहाँ पे ये भी पाबंदी लग गई है कि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों यूज़र ने प्रोवाइड किए, और फिर जो यूज़र ने यूज़र नेम प्रोवाइड किया है वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है। अब यूज़र ने जो पासवर्ड दिया है, क्या वो पासवर्ड और हमारे डेटाबेस में जो पासवर्ड सेव है वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तीसरी कंडीशन ये। तो अब वो कैसे मैच करेंगे, अभी अगर मैं करेक्ट पासवर्ड भी दूंगा तो मेरे डेटाबेस के पासवर्ड से वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैं पासवर्ड दूंगा किस में, प्लेन टेक्स्ट में, डेटाबेस में पासवर्ड किस में पड़ा हुआ है, इनक्रिप्टेड हैश पड़ा हुआ है, ठीक है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस से कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि डेटाबेस से जो मैंने पासवर्ड इनक्रिप्ट किया है उसको डिक्रिप्ट करे और फिर मेरे प्लेन पासवर्ड के साथ मैच करे, तब मैच होगा, अदरवाइज तो मैच ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि मैं पासवर्ड कौन सा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेटाबेस में क्या सेव्ड है, उसका हैश, और ऑब्वियसली वो 10 साल्ट राउंड्स के साथ सेव है, तो ये तो किसी सूरत मैच नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ और मैं कह देता हूँ जी कि इज नॉर्मली जब इनक्रिप्शन होती है या हैशिंग होती है तो ये वन वे होता है प्रोसीजर, ये रिवर्स नहीं हो सकता, यानी जब मैंने एक अगर ये रिवर्स हो जाए तो फिर तो कोई भी हैकर इसको लेके डिक्रिप्ट कर ले, गॉट इट। तो जो पासवर्ड में हैश बना के डेटाबेस में सेव कर चुका हूँ वो अब डिक्रिप्ट नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने उसे इनक्रिप्शन के वक्त ये लाइब्रेरी यूज की थी ना, इधर है ये बिक्रिप्ट डॉट हैश, तो इसी तरह हमें बिक्रिप्ट ही एक और फंक्शन देता है और वो देता है बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर, ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर, एक सिंपल डेटा यानी विच इज प्लेन पासवर्ड और दूसरा क्या है इनक्रिप्टेड, और वो स्ट्रिंग है। तो इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग कहां से आएगी, डेटाबेस से, और जो प्लेन डेटा या पासवर्ड आएगा वो कहां से आएगा, जो यूजर ने दिया होगा। अब जो यूजर ने पासवर्ड दिया वो तो ये है, रिक्वेस्ट से आ रहा है, ये तो सिंपल है। अब जो डेटाबेस से आ रहा है वो कहां से लाऊंगा, डेटाबेस से जब मैं यूजर ला रहा हूं तो करंट यूजर इस यूजर के ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है,
जिस यूजर का यूजर नेम मैच होगा तो मैं इसमें से ये लेके डॉट पासवर्ड. अब मैंने कहा है कि जो हैश स्ट्रिंग है वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकती, तो सिर्फ इतना हो सकता है कि बीक्रिप्ट का कंपेयर का फंक्शन मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी वो डिक्रिप्ट नहीं करेगा, सामने शो कुछ भी नहीं करेगा. अगर ये प्लेन पासवर्ड और इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग मैच करेंगी तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं मैच करेंगे तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा. सॉरी, एग्जैक्टली. क्योंकि ये देखें, ये कहां से आ रहा है, यूजर डॉट फाइंड, ये कहां से आ रहा है, डेटाबेस से. और डेटाबेस से पूरे यूजर का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है. जब उस यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्वियसली ये देखें, यूजर का ऑब्जेक्ट किस शक्ल में होगा, यूजर के ऑब्जेक्ट में फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड. और ये पासवर्ड किस शक्ल में पड़ा हुआ है, हैश फॉर्म में पड़ा हुआ है. तो मुझे हैश फॉर्म में तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी बराबर नहीं होगा. तो मुझे क्या कहना है, मुझे बीक्रिप्ट का दूसरा फंक्शन, जैसे मैंने बीक्रिप्ट डॉट हैश किया था ना, वैसे बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर करूंगा, तो मुझे कहेगा जी आप प्लेन पासवर्ड दो जिसको कंपेयर करना है, फिर इनक्रिप्टेड हैश दो जिससे कंपेयर करना है. अगर ये दोनों कंपैरिजन में बराबर होंगे तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके इस पासवर्ड मैच में क्या आ जाएगा, ट्रू. अदरवाइज क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा. ठीक है. और अब मैं इस इज मैच्ड या इस पासवर्ड मैच की बेस पे फिर कंडीशन लगाऊंगा, इफ नॉट इज पासवर्ड मैच्ड, यानी अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो क्या मतलब, यूजर ने पासवर्ड क्या दिया, गलत दिया. और जब यूजर ने पासवर्ड गलत दिया है तो मैं फिर उसको क्या करूंगा, रिटर्न. और यहां पे क्या एरर लिखूंगा, पासवर्ड इज रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन. फिर अब मैं यहां पे कोई, यानी ये तो वो एरर्स हैं जिनको स्कीमा ने नहीं पकड़ना था, बाकी जो एरर स्कीमा पकड़ेगा वो ऑटोमेटिकली हैंडल हुए हैं, उनको हैंडल करने की हमें जरूरत. अब हम सिर्फ ये एरर चेक करते हैं जानबूझ के, गलत इनपुट दे के, क्या ये हमारे ठीक चल रहे हैं. सो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, एक यहाँ पे नई रिक्वेस्ट बनानी है, एंड दैट इज ऑफ गोइंग टू बी द पोस्ट वन. ठीक, क्योंकि लॉग इन पोस्ट पे है. देन यहाँ पे लॉग इन करना है और बॉडी में दो फील्ड्स देनी है हमें, एक यूजर नेम की और एक पासवर्ड की. सो लेट्स सी, यूजर नेम मैं खाली छोड़ता हूँ और पासवर्ड भी मैं खाली छोड़ता हूँ. ठीक, सो लेट्स सी, इफ आई हिट प्लीज प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड, अगर मैं कुछ पासवर्ड दे देता हूँ और यूजर नेम सिर्फ खाली छोड़ता हूँ तो फिर भी यही एरर देगा, प्लीज प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड. अगर मैं पासवर्ड को खाली छोड़ के यूजर नेम देता हूँ तो फिर भी ये क्या है, इसका मतलब ये कहाँ से रिटर्न कर रहा है, ये यहीं से रिटर्न कर रहा है, आगे जा ही नहीं रहा. अब मैं क्या करूँगा, यूजर नेम वैलिड दूंगा और पासवर्ड क्या दूंगा, इनवैलिड दूंगा. तो वैलिड यूजर नेम क्या है, लेट सपोज अली एट द रेट 123, अब यूजर नेम वैलिड है और पासवर्ड कोई भी रैंडम है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे, सिंपली मैं कहेंगे योर पासवर्ड इज रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन. ठीक, और अगर मैं यूजर नेम दूं और वो गलत दूं तो अब क्या कहेगा, वो यूजर नेम से वापस आएगा कि यूजर नेम नॉट फाउंड. ठीक है, सो लेट सी, यूजर नॉट फाउंड, यानी इस यूजर नेम से कोई भी यूजर हमें नहीं मिल रहा. अगर मैंने यूजर नेम वैलिड दिया तो उसने कहा जी ठीक है यूजर नेम मिल गया लेकिन पासवर्ड इज रॉन्ग, और ये कहाँ से दे रहा है पासवर्ड इज रॉन्ग, ये आखिरी वाली चीज, ये पासवर्ड इज रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन. अब मैं अगर करेक्ट पासवर्ड दूं, यानी यूजर नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट दूंगा, तो मुझे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैं दे रहा हूँ क्या, प्लेन पासवर्ड. ये जाके प्लेन पासवर्ड यहाँ आएगा और डेटाबेस का पासवर्ड यहाँ आएगा, ये दोनों को क्या करेगा, मैच. अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू. सो लेट सी, इफ आई नाउ कम बैक, योर पासवर्ड इज रॉन्ग, अच्छा स्टिल इज नॉट वर्किंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. लेट सी, लेट्स कंसोल इट आउट. यहाँ मुझे क्या मिलना चाहिए, अगर मैचिंग के केस में true or otherwise false, console में इधर
Let's make another request. Let's have a look at here. तो मुझे क्या मिल रहा है? False मिल रहा है. इसका मतलब ये है कि ये password जो है वो मैं correct नहीं दे रहा. तो याद है क्या password दिया हुआ हमने? मेरे ख्याल में तो यही दिया था हमने. Let's try this one. This और this और password 1 2 3 4 5 6 7 8 9 still is false. 1 still is false. So let's see it. Why are we getting false every time? हमें जाके bcrypt को चेक करना है कि आइदर bcrypt का कंपेयर का फंक्शन क्या क्या, कोई एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट तो नहीं लेता. सो लेट्स सी इट. bcrypt js ये ना. लेट्स सी bcrypt. So see this library is bcrypt.js, not bcrypt only. I don't know, हमें कोई गलत लाइब्रेरी तो नहीं इंस्टॉल की भी. Make sure this is bcrypt. और let's come here और हमने यहाँ पे bcrypt. So that might be the reason. लेकिन still हम bcrypt पे चलते हैं. bcrypt क्या कहती है? You can you see it कि bcrypt अपनी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नहीं शो कर रहा. किस पे? उसमें क्या हो रहा है? Maybe एक नया यूजर रजिस्टर करके चेक कर लेते हैं, ये भी वेरीफाई हो जाएगा. सो लेट्स गो अहेड अगेन. और 1 2 3 4 5 6 4 वाकई गलत रखा है. 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 रखा हुआ हमने. लेट्स क्रिएट अनदर यूजर विद द नेम आई मीन अहमद और ah एट द रेट 123 और पासवर्ड इज आई मीन ईमेल इज ah अगेन और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 This is correct now. User has been registered. Let's see. User has been registered. So ah at the rate 1 2 3. So come back here. Ah at the rate 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now. यस ये ठीक चल गया. अब यहाँ कुछ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सारी कंडीशंस ट्रू हो गई हैं. तो उसने हमें क्या रिटर्न कर दिया? ट्रू रिटर्न किया. तो ट्रू के केस में हमने यहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं किया हुआ. यू कैन सी इट. आखिरी कंडीशन यहाँ ना, तो हमने यहाँ से रिस्पॉन्स यानी ये किसी भी इफ के अंदर नहीं गया. तो इसका मतलब एवरीथिंग इज करेक्ट और अब हमारा पासवर्ड जो है वो मैच हो गया. एंड दैट वॉज द स्पेलिंग मिस्टेक. मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, ये पॉज नहीं होती, ब्रेक करनी पड़ेगी. हुक्म करें ना, नहीं स्टॉप करनी पड़ेगी.
रिक्वेस्ट क्यों हार्ड हुई है, क्योंकि हमने जब सारी कंडीशंस हमारी मैच कर गई, हमारा पासवर्ड भी ठीक, हमारा यूजर नेम पासवर्ड भी, हमने कोई रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया. और हेयर इज समथिंग दैट वी हैव टू डू इंटरेस्टिंग. यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने सारे एरर शेरर चेक कर लिए, वैलिडेशन चेक कर लिए. अब हमने क्या करना है, नॉर्मली एक रफ सी या एक एग्जाम्पल समझें, हम किसी हसास इदारे की बिल्डिंग में जाते हैं तो हमारी स्क्रूटनी होती है, सिक्योरिटी चेक होता है. हमें पूरा डिटेल से थैरोली चेक किया जाता है, हमारी बॉडी चेकिंग की जाती है, हमारे पास कोई साजो सामान हो, कोई बैग हो, उसको ओपन करके चेक किया जाता है. फिर हमें अगर ये सब कुछ ठीक हो तो फिर हमें कहा जाता है ठीक है आप अंदर जा सकते हो. अब सपोज करें कि कोई ऐसी हैपनिंग होगी कि आपको उसी बिल्डिंग में बार बार जाना पड़ रहा है, तो जब आप हर दफ़ा जाएंगे तो क्या करेगा वो, आपको उसी तरह सिक्योरिटी डिटेल से चेक होगा, चेक एंड बैलेंस होगा, और फिर आपको अंदर जाने देगा. फिर जब तीसरी दफ़ा जाएंगे, यानी हर चक्कर में आपके साथ यही प्रोसीजर रिपीट होगा. अब सपोज कि आपकी वहाँ जॉब हो गई है या एडमिशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो लेट सपोज डेली के सिर्फ आप ही तो नहीं होंगे, सैकड़ों लोग या डजन्स ऑफ पीपल होंगे जिनके साथ यही काम होगा. तो वो लोग क्या करेंगे, बजाय इसके कि आपको डेली चेक करें, आपको एक टोकन इशू कर देंगे, आपको एक कार्ड दे देंगे. अब जब भी आप जाएंगे तो आप सिर्फ वो कार्ड दिखाएंगे, अगर आपके पास वो कार्ड होगा तो आपकी कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगी, आपको सीधा कहेंगे जी आप अथेंटिक यूजर हैं, आप क्या करें अंदर जाएं. मैं लफ्ज़ यूज़ किए अथेंटिक यूज़र. अब सपोज ये करता हूँ कि दो चीज़ों में आपने अब फर्क बताने लगा हूँ, एक होती है टर्म अथेंटिकेशन और एक होती है टर्म ऑथराइजेशन. ठीक, इन दोनों में फर्क पहले इसी लेमेन एग्जांपल से समझ लो जो मैंने अभी आपको दी है. जब आपको सिक्योरिटी चेकअप करके आपको बिल्डिंग के अंदर घुसने की इजाज़त दे दी गई है, तो इसका मतलब आप अथेंटिकेटेड यूजर हैं. ऑथराइज्ड, लव्स ऑथराइज अभी इससे सेपरेट लगे कि आप अथेंटिकेट हो गए, यानी आपको अंदर जाने की इजाज़त है. अब आप उस बिल्डिंग के अंदर चले गए, उस बिल्डिंग के डिफरेंट ऑफिसेज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपको सारे डिपार्टमेंट्स में विजिट करने की अथॉरिटी नहीं है. लफ्ज यूज कर रहा हूँ अब मैं अथॉरिटी, पहले लफ्ज यूज किया है अथेंटिकेशन, बिकॉज आई हैव टू मेक यू क्लियर टू थिंग्स, अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपको सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक रसाई है, आप वहां तक जा सकते हैं, तो इसका मतलब यू आर ऑथराइज टू विजिट दैट. बाकी चार डिपार्टमेंट्स हैं, उनको विजिट करने की ऑथराइजेशन यानी ऑथराइज आप नहीं है. तो इसका मतलब है आप अथेंटिकेटेड यूजर हैं, लेकिन आप ऑथराइज्ड यूजर लिमिटेड हैं, मतलब आप सिर्फ एक रिसोर्स को ऑथराइज हैं आप एक्सेस करने के, बाकियों के ऑथराइज नहीं है. तो अथेंटिकेशन का मतलब ये है कि समथिंग, इफ समबडी अलाउज यू टू गेट इनटू द एप्लीकेशन, मींस यू आर अथेंटिकेटेड, यू आर वैलिडेटेड यूजर. लेकिन एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद आपको किस किस रिसोर्स को एक्सेस करने की इजाजत है, दैट इज रिलेटेड टू ऑथराइजेशन. क्लियर हो गई बात. अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब भी लॉग इन होऊंगा तो लॉग इन होने के बाद मुझे उस एप्लीकेशन के जो प्रोटेक्टेड राउट्स होंगे, जो प्रोटेक्टेड एरिया या प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन होगी, उनको एक्सेस करने की इजाजत मिल गई है. कैसे, अथेंटिकेशन से. अब आप अथेंटिकेट होकर चले गए, अब हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि यूजर का रोल अलग है, एडमिन का रोल अलग है, एम्प्लॉई का अलग है, सारों ने लॉग इन होना है. अब लॉग इन होने के बाद यूजर सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है. टीचर है, एडमिन है, यानी एडमिन को सारे के सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने की ऑथराइजेशन है. अथेंटिकेशन की बात नहीं कर रहा, आप क्या, अथेंटिकेशन लॉग इन हो गई है, अब अगला स्टेप क्या है, ऑथराइजेशन. तो एडमिन जो है वो सारे के सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज है, टीचर लिमिटेड और यूजर उससे लिमिटेड. तो ये डिफरेंस है बेसिकली ऑथराइजेशन का. लेकिन पहले ऑथराइजेशन तो बाद में आएगी, पहले ऑथेंटिकेशन. मुझे, मैंने एक वेब एप्लीकेशन को विजिट किया और मैंने उसे यूज करके बगैर लॉग आउट होके वापस चला गया, मतलब ब्राउजर डायरेक्ट बंद किया, लॉग आउट नहीं हुआ और वापस चला गया. अब जब मैं अगली दफा वापस आया तो क्या मुझे दोबारा लॉग इन होना चाहिए या मेरा वही पेज लॉग इन वाला पेज खुलना चाहिए, क्योंकि मैं लॉग आउट तो नहीं हुआ, इसका मतलब आई एम स्टिल लॉग इन. तो हम क्या करें कि हमारा सर्वर हमें आइडेंटिफाई कर सके कि क्या ये वही यूजर है जो लॉग इन हो चुका है या कोई डिफरेंट यूजर है. तो हम क्या करते हैं,
ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए जो सबसे पहली एग्जांपल मैंने दी कि आप बार बार बजाय इसके कि वो पूरी आपको चेकिंग करे और फिर आपको अंदर आने दे, वो आपको क्या कर दे, एक टोकन इशू कर दे, एक सिक्योरिटी कार्ड या जो भी आइडेंटिटी कार्ड जो भी उसको कहते हैं वो आपको इशू कर दे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप आए आप सिर्फ वो कार्ड दिखाएं तो इसका मतलब आपकी कोई चेकिंग शेकिंग नहीं होगी, आपको डायरेक्ट अंदर जाने की इजाजत होगी। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, यूजर आया, ये सारा कुछ चेक कर लिया गया, ये सारी क्या हो रही थी, सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी कि यूजर वैलिड है, यानी यूजर नेम और पासवर्ड है, ये यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, इसने जो पासवर्ड दिया ये भी करेक्ट है, सब कुछ ओके हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया। अब हमें क्या करना है, यूजर को ऑथेंटिकेट कर दिया कि बस ठीक है यू आर ऑथराइज्ड, लेकिन जब ये अगली दफा आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर ये सारा कुछ चेक करेंगे। इसके बजाय हम क्या करते हैं, हम अगर ये यूजर सारी ऑथेंटिकेशन चेक्स पास कर चुका है तो हम इसे एक टोकन इशू कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएगा तो हम क्या चेक करेंगे, क्या उसके पास वो टोकन है या नहीं है, अगर है तो हम इसे ऑथेंटिकेट कर देंगे और अगर नहीं है तो फिर हम दोबारा उसको सारा मैनुअल प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। सो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि सारी चेकिंग के बाद हमने यूजर को एक टोकन देना है, तो टोकन ऑब्वियसली देने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, टोकन बनाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई what we do is we use one of the famous mechanisms called JWT, or this is called JSON Web Token. ye is waqt sabse popular ways mein se ek way hai user ko authenticate aur authorize karne ka, theek hai? to ab aapko pata hoga ki authentication aur authorization kya hoti hai. So, web tokens in industry standard, this method for representing claims securely between the two parties, वगैरह 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 जो भी। अच्छा, सबसे पहली चीज JWT में हम काफी बहस करेंगे। What does JWT token consist of? What does your security card consist of? आपकी identity, आपका name, आपका father name, आपका address वगैरह वगैरह। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई बंदा उस सिक्योरिटी कार्ड की डुप्लीकेट नहीं बना सकता, मतलब कोई भी बंदा अच्छा डिजाइनर है तो उसी तरह का एग्जैक्ट, तो उस सिक्योरिटी कार्ड की ऑथेंटिसिटी के लिए क्या चीज जरूरी है, या तो उसके नीचे सिग्नेचर या उस कंपनी की स्टैंप या वो जो एक क्यूआर कोड होता है। यानी आपके पास सिर्फ सिक्योरिटी टोकन होना जरूरी नहीं है, ऑथेंटिक जेन्युइन सिक्योरिटी टोकन होना जरूरी है। एंड हाउ डू वी मेक श्योर कि द टोकन दैट वी आर गोइंग टू जनरेट इज ऑथेंटिक, क्या ये हम ही ने बनाया, किसी ने फेक खुद से बना के तो नहीं ट्राई की हमारी एप्लीकेशन में एंटर होने की। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू एक्चुअली टॉक अबाउट द एनाटॉमी ऑफ दिस टोकन दैट वी आर गोइंग टू यूज। बेसिकली हम करेंगे क्या, जो यूजर लॉग इन होगा ऑथेंटिक यूजर को इस तरह का एक टोकन प्रोवाइड कर देंगे, और जब भी अगली दफा वो इस टोकन के साथ आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, एक्सेस दे देंगे। अब इस चीज की क्या गारंटी है कि ये टोकन करप्ट नहीं हो सकता या कोई मेलिशियस यूजर खुद से मैनिपुलेट इस टोकन को नहीं कर सकता, तो देख ले जरा इस टोकन में कि बनावट में कितनी चीजें शामिल है। ये टोकन तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, रेड, ये पर्पल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कलर, आई थिंक पर्पल ये, और ये लाइट ब्लू, ये तीन हिस्से हैं इस टोकन के, और तीनों हिस्से यहाँ डिस्क्राइब्ड हैं। ये पहला हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टोकन कौन सा एल्गोरिथम यूज करके बनाता है, यानी ये टोकन कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है। एल्गोरिथम पता क्या होता है, पहली चीज तो ये बता रहा है कि ये एल्गोरिथम HS256, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको लेट सपोज एल्गोरिथम पढ़ना है ना, तो आप इसको जरा अलग से विकिपीडिया पे जाके HS256 आप देख लीजिए कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है और इसको ब्रेक करने में कितना टाइम लग सकता है। इज अ सिमेट्रिक एल्गोरिथम दैट शेयर्स वन सीक्रेट की बिटवीन, मतलब बहुत सारी लंबी कहानी है, इसकी अपनी पूरी थ्योरी है। बहरहाल JWT का पहला हिस्सा किस पे मुश्तमिल होता है, एल्गोरिथम। दूसरा हिस्सा किस पे मुश्तमिल होता है, दैट इज नॉर्मली कॉल्ड अ पेलोड। पेलोड का मतलब वो डेटा होता है जिसको हम इनक्रिप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा ना, आपके आईडी कार्ड पे क्या होता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यूं समझें कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करके उसमें रखा गया, ये सेकेंड पार्ट होता है। और थर्ड पार्ट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड पार्ट इज द डिजिटल सिग्नेचर। ये डिजिटल सिग्नेचर इस को यूनिक बनाते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि इसमें कोई दो नंबरी ना हो, इसमें कोई मैनिपुलेशन ना हो। ये डिजिटल सिग्नेचर किससे बनते हैं, ये देख लें, ये जो आपका हेडर होता है, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हेडर, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला क्या होता है, हेडर।
डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनते हैं, ये हेडर को पिक करता है और इसको बेस 64 यूआरएल इनकोड करता है, यानी हेडर को इनक्रिप्ट करता है, इसके साथ प्लस पेलोड को पकड़ता है उसको भी इनक्रिप्ट करता है, और तीसरा हम खुद एक सीक्रेट देते हैं, एक चाबी, एक की देते हैं, प्राइवेट की, वो हमारी अपनी मर्जी की लॉन्ग सी स्ट्रिंग होती है, और फिर इसे हम डिक्रिप्ट या अनलॉक तभी कर सकते हैं जब हम दोबारा वो की प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सिग्नेचर है आखिरी पार्ट, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, हेडर प्लस पेलोड प्लस हमारा सीक्रेट, इन तीनों को फिर इनक्रिप्ट करके फिर ये टोकन जनरेट करता है, और ये इस बात की अश्योरिटी होती है कि ये टोकन ब्रेक नहीं हो सकता। इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग थिंग, क्योंकि इसकी बिहाइंड द सीन मैकेनिज्म को अगर मैं पूरा डिस्क्राइब करूं तो ऑब्वियसली JWT पे ही कई लेक्चर देने पड़ जाएं एल्गोरिथम वगैरह की स्टडी के लिए, लेकिन दैट्स द सिक्योर वन, और ये किन किन चीजों पर मुश्तमिल होता है। तो ये आखिरी पार्ट जो है बेसिकली वो क्या होता है, सिग्नेचर। क्लियर होगी बात। अब ये हम मैकेनिज्म यूज करेंगे कहां पे, जब यूजर ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक टोकन प्रोड्यूस करेंगे और वो टोकन किसको भेज देंगे, वापस यूजर को या क्लाइंट को भेज देंगे। नेक्स्ट टाइम जो भी रिक्वेस्ट आएगी तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या इसके पास टोकन है या नहीं है, अगर टोकन होगा तो हम उसे एक्सेस दे देंगे, अगर टोकन नहीं होगा तो हम उसकी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ये हो गया क्या, ऑथेंटिकेशन। अभी ऑथराइजेशन की मैंने थ्योरी समझा दी है, ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट कैसे करनी है पहले JWT समझ लें, फिर उसके बाद, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, JWT की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड इनटू npm और इसका पूरा एब्रिविएशन है JSON वेब टोकन, ठीक है। सो इसका यूजेज भी देख लें, 8,88,09,000 8 crore पर वीक इसके डाउनलोड्स हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा खुद ही लगा लें। सो मैंने इसको यहां से किया कॉपी, यहां पे किया पेस्ट, सबसे पहला काम npm install json web token, JWT stands for json web token, ठीक है, ये मेरी इंस्टॉल होगी। सेकेंड स्टेप हमें इसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। सो लेट्स गो अहेड एंड इंपोर्ट दिस। सो मैंने इसको किया यहाँ पे इंपोर्ट, इसको वार की जगह कॉन्स्ट कर दें। एंड थर्ड स्टेप इज हमें सिर्फ ये काम करना है, यहाँ पे हमें टोकन बनाना है, ये दिस इज द प्लेस, और JWT.sign ये बिल्ट इन फंक्शन है JWT लाइब्रेरी का। ये JWT क्या है, ये वो लाइब्रेरी है जो मैंने यहाँ इंपोर्ट की है, ठीक। डॉट साइन इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है एटलीस्ट, पहला आर्ग्यूमेंट ये लेता है पेलोड और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये लेता है सीक्रेट की। मेक श्योर मैंने तीन चीजें बताई थी आपको, हेडर, पेलोड, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर हमें अलग से देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिग्नेचर वो खुद बनाता है, किस किस के कॉम्बिनेशन से, हेडर और पेलोड और मेरी सीक्रेट की के कॉम्बिनेशन से, ठीक। अब ये जो हेडर है, अगर हम हेडर खुद स्पेसिफाई ना करें, अगर हमें ये एल्गोरिथम पसंद नहीं है या कोई कंपनी आपको कहती है ये एल्गोरिथम लेस सिक्योर है, आप मोर सिक्योर एल्गोरिथम पेश करें, तो आप खुद से इसमें वो एल्गोरिथम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो वो डिफॉल्ट एल्गोरिथम यही उठाएगा, ठीक। सो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू मेंशन एल्गोरिथम पार्ट, क्योंकि वो डिफॉल्ट पिक करेगा, अगर हम मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। सेकंड इज द पेलोड। तो मैंने क्या कहा, मैंने वो एल्गोरिथम मेंशन नहीं किया, मैंने डायरेक्ट क्या मेंशन किया, पेलोड। तीसरा आर्ग्यूमेंट मैंने क्या किया, मेरी अपनी सीक्रेट की, ठीक। तो ये जो मैं यहां पे स्पेसिफाई कर रहा हूं ये वो सीक्रेट की है, क्लियर। अब जरा इनको देखते हैं, ये तो सैंपल है ना, उसने दिया है, मुझे अपना पेलोड बनाना है, ये फू और ये तो सैंपल है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे यूजर मिल रहा है ना, मैं इस यूजर यानी यहां पे मैं करता हूं सपोज आईडी, और मैं ये सपोज करता हूं कि यूजर डॉट आईडी, जो भी करंट यूजर है उसकी आईडी को पेलोड बना दो, यानी मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसमें की रख रहा हूँ आईडी और वैल्यू यूजर डॉट आईडी। आपको पता है कि मोंगूज की जो आईडी है वो अंडरस्कोर के साथ सेव होती है, तो मैंने क्या कहा, यूजर, पूरे यूजर की इन्फॉर्मेशन आएगी और डॉट
अंडरस्कोर आईडी का मतलब, क्योंकि मंगूस की आईडी बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर के साथ होती है, तो मैंने अपने करंटली जो यूजर, जो करंट यूजर आएगा उसकी आईडी को पकड़ा और उसको मैंने क्या कर दिया, एज अ पेलोड बना दिया। यहाँ पूरे के पूरे यूजर को पेलोड बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, पेलोड हो गया। आखिरी चीज मैंने यहाँ पे क्या देनी है, प्राइवेट सीक्रेट की। ये कुछ भी हो सकती है, रिकमेंड किया जाता है कि यहाँ इतनी लंबी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग दें, क्योंकि जब इसने जाहिर है बनाना होता है तो अल्टीमेटली सारों को मिक्स करके क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है। तो यहाँ आप कोई कॉम्प्लेक्स लंबी सी स्ट्रिंग दें, लेकिन मेक श्योर कि वो स्ट्रिंग आपको खुद याद रहे, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं कोई भी स्ट्रिंग बना लेता हूँ, दिस 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 दिस, और फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सो दिस, लेट्स सपोज दिस इज माय सीक्रेट की। कुछ भी हो सकती है, आपकी चॉइस। हमने फ्रंट एंड में पढ़ा था, डॉट एनवी का पढ़ा था ना हमने, या यहां पढ़ा था कहीं, आपको नहीं बताया डॉट एनवी क्या होती है? चलें बता दूंगा। एनीवेज, ये हमें टोकन में क्या प्रोड्यूस, ये दोनों चीजें मिला के साइन का मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा, एक टोकन रिटर्न करेगा, और वो हर यूजर के लिए यूनिक होगा। क्यों? क्योंकि बीच में जो पे लोड जा रहा है वो हर एक की यूनिक होगी, ठीक है। सो नाउ इफ आई कंसोल इट आउट, जस्ट बल्कि मैं रिस्पॉन्स में भेजता हूँ इसको, रेस, अभी तक हमारा रिस्पॉन्स हाल्ट हो रहा था ना, कुछ भी नहीं भेज रहे थे, डॉट जेसन, और मैं इसको बोलता हूँ जी मेरी टोकन इज गोइंग टू बी दिस टोकन। अब जब सब कुछ करेक्ट होगा तो मुझे रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, एक टोकन मिलेगा। लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज करेक्ट, हम ये देखते हैं कि टोकन हमारा जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो इफ आई गो बैक टू दिस, मेरा यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी करेक्ट है, और अब मुझे यहाँ पे मिलेगा ये टोकन मिलेगा। और अगर आप इसकी शक्ल देखें, दिस इज द हेडर पार्ट डॉट, दिस इज द पेलोड पार्ट, और दिस इज द सिग्नेचर। तो ये जो डिजिटल सिग्नेचर है ना, ये वेरीफाई करते हैं कि ये बंदे का जो आईडी कार्ड है ये क्या है, करेक्ट है। बिल्कुल जैसे आपके आईडी कार्ड के नीचे साइन हुए होते हैं किसी प्रिंसिपल के या किसी बड़े सरबरा के, जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। सो दिस इज द टोकन। अब मैंने लॉग इन हुआ हूं, तो मुझे जो ही मैं सक्सेसफुली लॉग इन हुआ हूं, तो मुझे सर्वर ने क्या दे दिया, एक टोकन दे दिया। अब मैं जब भी इस एप्लीकेशन पे जाऊंगा तो साथ क्या लेके जाऊंगा, जो भी रिक्वेस्ट जाएगी सबसीक्वेंट, फर्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी। जब आप एडमिशन लेते हैं, जब किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो आपको आईडी कार्ड मिल जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाते हैं तो आपको चेक इन बैलेंस नहीं होता, अगर आपके पास क्या हो, कार्ड हो। जिस दिन आप कार्ड लाना भूल जाएं, उस दिन फिर वही पूरा प्रोसीजर, ठीक। तो ये आपका टोकन है। अब सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट जो भी मैं करूंगा, सबसीक्वेंट का मतलब पहली दफा के बाद की जो भी रिक्वेस्ट, तो सर्वर क्या चेक करेगा, इस बंदे के पास टोकन है या नहीं है। अगर टोकन होगा तो अलाउ करेगा, अगर टोकन नहीं होगा तो वो कहेगा लॉगिन हो, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि लॉगिन होने के बाद मुझे टोकन मिल तो गया, मैं इसे क्लाइंट साइड पे किसी महफूज जगह पे सेव करूं, ताकि नेक्स्ट जो भी रिक्वेस्ट करूं टोकन साथ भेजूं, तभी सर्वर रिकॉग्नाइज करेगा कि ये वही बंदा है या कोई और बंदा है, ठीक। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जीमेल में लॉगिन होते हैं या किसी भी अकाउंट पे लॉगिन होते हैं, तो लॉगिन होने के बाद आप कई रिक्वेस्ट करते हैं। अगर ये टोकन वाला मैकेनिज्म ना होता या सेशन वाला, अभी देखें मैं इस पे क्लिक किया तो एक अलग रिक्वेस्ट की, मैंने इस पे क्लिक किया तो क्या किया, एक अलग रिक्वेस्ट की, ये मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप अज्यूम करें कि अगर मेरे पास टोकन ना होता तो जब मैं इस पे क्लिक करता और वापस इस पे क्लिक करता तो ये मुझे कहता लॉगिन अगेन, फिर जब मैं सेंट आइटम पे क्लिक करता तो वो कहता फिर लॉगिन हो, क्योंकि हर रिक्वेस्ट के लिए सर्वर को ये अश्योरिटी चाहिए कि ये बंदा वही है जो लॉगिन हुआ हुआ है। तो अगर ये टोकन वाला या सेशन वाला मैकेनिज्म ना होता तो मैं स्पैम पे क्लिक करता तो पहले मुझे कहता लॉगिन हो फिर स्पैम दिखाऊंगा, सेंट पे क्लिक करता पहले मुझे कहता लॉगिन हो फिर, अगर मैं स्नूज पे या यानी एक दफा लॉगिन होने के बाद जितनी भी रिक्वेस्ट करता ये हर दफा मुझसे क्या मांगता, तो इसने अब क्यों नहीं मांग रहा, बिकॉज इसने रिकॉर्ड रखा हुआ कि ये वही बंदा है जो टोकन साथ लेके आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी एप्लीकेशन में कोई ऐसा ही मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना होगा कि एक दफा जब मैं लॉगिन हो जाऊं
तो लॉगिन होने के बाद बाकी जितने राउट्स को भी मैं एक्सेस करना चाहूं, तो अगर वो चेक करेगा इसके पास टोकन है तो मुझे वो राउट्स दिखाए, अगर टोकन नहीं है तो मुझे कहे क्या लॉगिन हो जाए। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब मैं इस टोकन को पहले फ्रंट एंड में कहीं सेव करूंगा और फिर हर अगली रिक्वेस्ट के साथ इस टोकन को भेजूंगा, यानी अब रिक्वेस्ट के साथ टोकन को भी भेजूंगा। अब सवाल यह है कि इस टोकन को सेव कहां करें? ठीक, तो ब्राउजर की लोकल स्टोरेज का आइडिया है ना आपको, ब्राउजर की लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज होना चाहिए अंदाजा वैसे। एनीवेज चले, ब्राउजर में दो तीन किस्म की स्टोरेजेस होती हैं। अगर आप लेट सपोज यहां पे जाएं और यहां पे जाएं इंस्पेक्ट में और यहां पे जाएं एप्लीकेशन में, तो ये यहां पे आपको नजर आती है लोकल स्टोरेज, और इसमें बहुत सारी चीजें जो सर्वर साइड से आती हैं वो यहां स्टोर हुई भी होती हैं। और लोकल स्टोरेज में हमेशा चीज की और वैल्यू पेयर में स्टोर होती है, जैसे ऑब्जेक्ट में नहीं होती की वैल्यू पेयर, इसी तरह सेशन स्टोरेज है, इसी तरह यहाँ कहीं कुकी होगा, ये कुकी है, कुकी में वैल्यू किस फॉर्म में स्टोर होती है, की और वैल्यू। तो हम अपना टोकन कहाँ स्टोर करेंगे? कुकीज में स्टोर करेंगे। क्लियर? क्यों स्टोर करेंगे? क्योंकि हम लॉगिन होने के बाद हर रिक्वेस्ट के साथ अगर हमारे पास टोकन है तो भेजें, अगर टोकन नहीं भेजेंगे तो वो हर दफा हमें क्या कहेगा, लॉगिन करें, लॉगिन करें, लॉगिन करें, लॉगिन करें। हम तो ये नहीं चाहते इस हेडेक में, तो हम क्या चाहते हैं, एक दफा लॉगिन होके टोकन को अपने क्लाइंट एंड पे कहीं सेव करें और नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब भी करें तो टोकन को क्या करें, साथ रिक्वेस्ट के सेंड करें। तो हम क्या करेंगे, सर्वर साइड से यहां पे हम रेस रिस्पॉन्स तो भेजेंगे, लेकिन हम इससे पहले ये कहेंगे डॉट रिस्पॉन्स भेजो, और पहले वो किस में स्टोर करो, कुकी में स्टोर करो, और कुकी मैंने आपको कहा है कि की और वैल्यू पेयर में इंफॉर्मेशन सेव करता है, तो कुकी को मैं दूंगा कि जी एक टोकन नाम की रखो और उसमें ये टोकन सेव कर दो, ये वाला टोकन। फिर इसके साथ चेन कर दें जेसन को, टोकन को रिस्पांस में भेजें या ना भेजें, नॉर्मली हम रिस्पांस में टोकन को नहीं भेजते फॉर सिक्योरिटी रीजन, हम इसको डायरेक्ट किधर सेव करते हैं, कुकी में। तो इसको मैं फिलहाल के लिए यू आर लॉग्ड इन। फिर अब ये जो मैं भेज रहा हूं ना रिस्पांस डॉट कुकीज, तो सर्वर क्या करेगा, आपके इस टोकन की इंफॉर्मेशन को क्लाइंट के कुकी एरिया में जाके सेव कर देगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है टोकन ही भेजें, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, हमें फिलहाल क्या चाहिए, टोकन चाहिए कुकी के अंदर। अब ये कुकी हम यहाँ पे कहाँ देख सकते हैं, इस वक्त ये देखें ये कुकी की फील्ड बनी हुई है साथ और ये खाली है। ठीक, अब अगर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा लॉगिन की, इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो यहाँ मैसेज आएगा यू आर लॉग्ड इन, और वो कुकी कहाँ सेट होगी, इधर सेट होगी। सो लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज वेल, यू आर लॉग्ड इन, रिस्पॉन्स में ये आया और कुकी में आके देखें टोकन, और ये टोकन सारा सेव्ड है, कहां से आया, डोमेन लोकल होस्ट से, पाथ ये, सेशन ये, एचटीटीपी ओनली, फॉल्स। क्लियर? तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम इसको एक फ्लैग दें जो एचटीटीपी ओनली कुकी को क्या करे, ट्रू करे। उसकी वजह क्या है, जब भी आप एचटीटीपी ओनली कुकी सेंड करते हैं तो उसको कोई स्क्रिप्ट रीड नहीं कर सकता। नॉर्मली हैकर्स क्या करते हैं, आपको फेक या मलिशियस लिंक भेज के आपकी कुकीज को रीड करना चाहते हैं, और जब आपका टोकन कहीं चला गया तो फिर आपकी सारी एप्लीकेशन ही। तो हम अगर ये चाहते हैं कि हैकर या कोई भी मलिशियस यूजर आपके टोकन को एक्सेस ना कर सके, तो हमें ये फ्लैग ट्रू करने की जरूरत है। ये फ्लैग क्या करने की जरूरत है, ट्रू करने की जरूरत है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ कुकीज में इसका जो तीसरा पैरामीटर है गालिबन, उसको हम कर देते हैं HTTP only there। अब शायद ये काम ना करे क्योंकि मुझे एग्जिस्टिंग कुकी क्लियर करके फिर ये करनी पड़ेगी, तो क्लियर कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे
लॉगआउट का फंक्शन लिखना पड़ेगा, लेकिन लेट्स ट्राई क्या ये दोबारा कुकी सेट करेगा या नहीं। यस, अब इसने क्या कर दी, एचटीटीपी ओनली ट्रू कर दी। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरी इस कुकी में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन को कोई स्क्रिप्ट भी रीड नहीं कर सकेगा। सो दैट्स प्रीटी मच इट। कुकी में टोकन सेव करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी क्लाइंट सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट भेजता है, कुकी में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली साथ जाती है। अगर मेरे पास और तरीके भी हैं कुकी में सेव करने के, लेकिन अगर मैं वो तरीके यूज करता तो मुझे मैनुअली टोकन सेंड करना पड़ता हर रिक्वेस्ट के साथ। अब मुझे मैनुअली सेंड नहीं करना पड़ेगा, कुकी में पड़ी हुई चीज हर रिक्वेस्ट के साथ सर्वर पे लाजमी जाएगी। क्लियर हो ये बात? तो अब हम ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लॉगिन वाला काम कंप्लीट कर चुके हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यहाँ मैसेज नहीं देते, बल्कि यहाँ से हम रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी और पेज में जब यूजर लॉगिन होता है तो। लेकिन अभी हम, हमारे पास डेफिनेटली हम एपीआई पढ़ रहे हैं, तो एपीआई में तो रीडायरेक्शन नहीं हो सकती। वो हम जब फ्रंट एंड बनाएंगे तो वहाँ रीडायरेक्शन करेंगे। ये मैसेज की जगह जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट होके होम पेज पे आ जाएंगे। लेकिन एपीआई में यहाँ इतना ही गुड है कि आप कुकी इन्फॉर्मेशन या टोकन जो है कुकी में सेट हो गया। अब हर रिक्वेस्ट के साथ ये टोकन खुद ब खुद सर्वर पे सबमिट होगा। सॉरी, की इज फॉर, ये जो सीक्रेट की है ना, ये सिर्फ लॉक खोलने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, ये हमेशा यही रहेगी, की यही रहेगी। ठीक, की बेसिकली किस लिए है? आपकी जीडब्ल्यूटी की टोकन की स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक, इसलिए कहा है कि ये की सोच समझ के कॉम्प्लेक्स ही रखें और छुपा के रखें। अब चूंकि ये कोड होगा ही सर्वर पे, क्लाइंट को तो एक्सेस हो ही नहीं सकता। वो तभी होगा जब पूरे सर्वर को वो हैक करेगा, और पूरे सर्वर को हैक करेगा तो फिर उसका की भी मिल जाएगी। तो की मिल भी जाए तो फिर भी डेटाबेस की आईडी नहीं मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल टोकन किसका कॉम्बिनेशन है, वो की ही सिर्फ नहीं है ना, डेटाबेस की आईडी भी है। फिर उसको डेटाबेस भी हैक करना पड़ेगा उसके लिए। तो दैट्स लॉट ऑफ वर्क इन फैक्ट फॉर हिम। अच्छा, फिर भी वो ले ले, फिर भी उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा। मतलब की ले ले, वो डिक्रिप्ट करना फिर इसके लिए चैलेंज है। सो दैट्स लॉट्स ऑफ चैलेंज एक्चुअली टू ब्रेक अप दिस एल्गोरिथम। फिर आप ये एक्सप्लोर कीजिएगा किसी भी एल्गोरिथम को ब्रेक करना कितना ओखा काम है। एनीवेज, सो दिस इज हाउ। अब हमने क्या करना है, अब बात आ गई है मिडलवेयर की। इससे पहले आपको पता है मिडलवेयर क्या होता है? वो पीस ऑफ लॉजिक जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में चलती है। अभी तक हमने जितने भी मिडलवेयर पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या थे, बिल्ट इन थे। एप डॉट यूज, नेक्स्ट, राइट, गेट, पोस्ट, ये सारे मिडलवेयर हैं। एक्सप्रेस इज राउटिंग एंड मिडलवेयर फ्रेमवर्क। एक्सप्रेस की डेफिनेशन क्या है? एक्सप्रेस इज ऑल अबाउट राउटिंग एंड मिडलवेयर। एक्सप्रेस दो ही चीजें देती है, या मिडलवेयर या राउटिंग। ये गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, एप डॉट यूज, एप डॉट, ये सारे क्या थे, मिडलवेयर थे। और तो अब हम जो मिडलवेयर बनाएंगे वो क्या होगा, कस्टम मिडलवेयर। हम अपना मिडलवेयर, वो क्या करेगा, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मिडलवेयर बीच में एक्टिवेट होगा और वो चेक करेगा कि इस रिक्वेस्ट में टोकन है या नहीं है। अगर टोकन होगा तो वो मिडलवेयर अलाउ करेगा, ठीक है जी आप जा सकते हो। और अगर टोकन नहीं होगा तो, यानी आप में और उस महकमे के ऑफिसर के मिलने में कौन सी चीज हाइल होगी, चौकीदार जो चेक करने वाला होगा, वही मिडलमैन हो ना। कि आप, वो अगर आपको पास करेगा तो आप अंदर जा सकेंगे, मिल सकेंगे किसी से, वो अगर पास नहीं करेगा तो आप अंदर नहीं जा सकेंगे। तो वी नीड अ मिडलवेयर, और वो मिडलवेयर क्या होगा, जो चेक करेगा कि क्या ये जो बंदा आ रहा है या ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, इसके पास वो टोकन है या नहीं है। अगर वो चेक करने पे उसको वो टोकन मिल गया तो वो ऑथराइज करेगा, और अगर टोकन नहीं मिला तो कहेगा सॉरी भाईजान आपके पास इजाज़तनामा नहीं है। एंड दैट इज, उस चौकीदार को हम लिखेंगे कल, आई मीन मिडलवेयर को इंशाल्लाह हम कल लिखेंगे, और फिर कल ही हमारा होपफुली ऑथेंटिकेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर रह जाएगा ऑथराइजेशन। यहां तक क्लियर हो गया? दैट्स प्रीटी मच, वी विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो।